हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा खाने को तरस गए हैं तो चलिए मेरे साथ सोया चाप बना रही हूँ मैं। तो यहाँ 250 ग्राम मैंने सोया चाप लिया है। अब यहाँ पे एक चम्मच छोटा चम्मच हल्दी, दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर, दो छोटा चम्मच देगी मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंगो पाउडर लेके इसे मिला के रख दिया। अब सबसे पहले स्टिक हटाएंगे सोया चाप से और इसे तीन भाग में काट लेंगे। यहाँ पे तेल और घी दोनों ही यूज़ कर रही हूँ मैं, दही भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ तीन टमाटर, दो तीन हरी मिर्च और तीन प्याज लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सोया चाप को और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो जब प्याज फ्राई हो गया तो इसे मैंने निकाल लिया है और ठंडा होने के बाद इसका पेस्ट बना लिया है और चाप भी निकाल लिया है सोया चाप। अब दही को पहले विस्क करेंगे अच्छे से, फिर मैरिनेट करेंगे। तो दही को डालेंगे, 4-5 टेबलस्पून दही है ये सोया चाप में, आधा छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच देगी मिर्च, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर इसे डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इधर तेल में घी डालेंगे जिसमें मैंने प्याज, जो तेल और घी गर्म हो गया उसमें एक छोटा चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग डालेंगे। फिर यहाँ टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो बनाया था वो डाल दिया। यहाँ क्लिप मिस हो गया है, वही चीज़ मैंने इसमें डाली है। तो उसके बाद जब ये भुन गया तो इसमें सूखे मसाले के पाउडर डाल दिए हैं और इसे 4-5 मिनट तक भुना है। फिर इसमें प्याज जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया और इसे भून रही हूँ मैं। तो जब थोड़ा सा लगे कि नीचे से चिपक रहा है तो इसमें पानी डाल करके भूनना है। फिर इसमें मैरिनेटेड सोया चाप को डाल देना है। डालने के बाद 2-3 मिनट तक इसे पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके भूनते रहेंगे तो ये नीचे से चिपकेगा नहीं। फिर इसमें 2 बोल मैंने पानी डाला है, मिला दिया अच्छे से। फिर कसूरी मेथी क्रश करके डाला है और एक बार चला दिया, ढक्कन से कवर कर दिया गाढ़ा ग्रेवी बनने तक। यहाँ सोया चाप बन करके रेडी है। अब इसमें मैं धनिया का पत्ता डाल रही हूँ और फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो बनाइए, घर पर खाइए। यहाँ फ्रेश क्रीम से मैंने गार्निश किया है, आप घर का भी मलाई ले सकते हैं। तो रेसिपी ट्राई कीजिए, फीडबैक ज़रूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।